जो थे वो कल हमने पढ़े थे, तो रूल्स के अंदर में जो मेजर पॉइंट्स थे वो ये थे कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड एंगल जो बनाएगा वो सबसे बड़ा बनाएगा, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रहता है, फिर सबसे कम रहता है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। लेकिन अब ये भी एक फिक्स रूल नहीं है, अगर मान लो अटैच होने वाला जो एटम है, जैसे यहाँ पर जो चीज अटैच हो रहा है या यहाँ पर जो चीज अटैच हो रहा है, यहाँ पर ये जो एटम अटैच हो रहा है, अगर ये सिंपल एटम है तब तो ठीक है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो बात सही है कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होगा, ये क्लोजर रहेंगे। बट अगर ये एटम ना होकर के एक ग्रुप ऑफ एटम हो जाए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होने लगता है। वो चीजें हम लोग फिर से थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में यहाँ पर बल्की ग्रुप्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम, निल के बराबर। इट इज ओनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पर यहाँ पर बल्क आता है, ये चीजें बल्की हो सकती हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर से बॉन्ड एंगल डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेसर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, देयर माइट बी एन एंगल शिफ्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स बड़े हैं यहाँ पर लगे हुए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इज इट ओके? मेकिंग सेंस? अब यस सर। लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टेरिक नंबर टू, ठीक है। एन प्लस एम, एन क्या है और एम क्या है? एन इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड एम इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। इफ स्टेरिक नंबर इज टू सच दैट बॉन्ड पेयर इज टू एंड लोन पेयर इज जीरो, ठीक है, ठीक है। सस्पेक्ट, ओके। सो इफ माय स्टेरिक नंबर इज टू, द मॉलिक्यूल इज ऑलवेज गोइंग टू लुक लाइक लीनियर, और वी कैन से अगर दो बॉन्ड पेयर है एक भी लोन पेयर नहीं है तो लीनियर दिखेगा, और अगर एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तब भी लीनियर ही दिखेगा। इट हैज नो अदर ऑप्शन। बॉन्ड एंगल बट डिफाइंड नहीं होता है इस वाले केस में, क्योंकि बॉन्ड एंगल डिफाइन होने के लिए दो बॉन्ड्स का होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। सो एसपी हाइब्रिड, सॉरी स्टेरिक नंबर टू इम्प्लाइज कैसा हाइब्रिडाइजेशन? एसपी हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और उसमें आपका बॉन्ड पेयर टू है एंड लोन पेयर जीरो है, तो द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस और लाइक दिस। ये सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन दिखाया हुआ है। एम आई मेकिंग सेंस? अच्छा, यस यहाँ सर, यस सर, ठीक यस सर। है, यहाँ पर देखोगे तो एक वर्ड यूज किया हुआ है, अरेंजमेंट और ज्योमेट्री, ठीक है। और यहाँ पर यूज किया हुआ है वर्ड शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप बोल सकते हैं इसको या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है।
ज्योमेट्री का मतलब होता है बेसिकली आइडियल शेप, एक्सपेक्टेड आइडियल शेप क्या है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पोजीशन या नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पोजीशन या नॉन हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन या हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन के हिसाब से व्हाट इज द आइडियल शेप विच इज एक्सपेक्टेड, उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्री ऑफ द एटम, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से डायरेक्टली आता है। जो हमने पहले टेबल लिखा था, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा लीनियर, sp2 होगा ट्राइगोनल प्लानर, sp3 होगा टेट्राहेड्रल, sp3 sp2d होगा तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 होगा सॉरी sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, फिर sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रॉन एंड sp3d3 होगा तो इट इज गोइंग टू बी पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो ये जो शेप्स होते हैं दीज आर आइडियल शेप्स और दे आर नोन एज आइडियल शेप और ज्योमेट्री, ठीक है ना, आइडियल ज्योमेट्री या सिंपली ज्योमेट्री भी बोलते हैं, दैट इज द ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये जो होता है ये रियल शेप होता है, रियल शेप मतलब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के काउंट्स अगर चेंज होते हैं तो वी विल सी दैट वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन डेविएशन इन केसेस, ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर सो sp हाइब्रिडाइजेशन एंड टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर वी आर गोइंग टू हैव लीनियर मॉलिक्यूल्स, सच लीनियर मॉलिक्यूल्स आर CO2 O C O। sp क्यों है? चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ। लोन पेयर कितना? जीरो। बॉन्ड पेयर कितना? दो। बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड दो, ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? टू। दैट मींस sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर मॉलिक्यूल। सिमिलरली इन सारे एटम्स में वी आर गोइंग टू सी द सिमिलर ट्रेंड। यहां पर कार्बन है, फिर से चार इलेक्ट्रॉन, ये तीन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाता है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, HCN, ठीक है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, NO2 टोटल और प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज का मतलब सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन गायब, राइट, नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच में से एक गए, बचा कितना? चार, बाकी के चार जो हैं वो ऑक्सीजन दोनों के साथ डबल बॉन्डेड रहेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? एंड इट विल बिकम अगेन sp हाइब्रिडाइज्ड एंड अ लीनियर मॉलिक्यूल, क्योंकि और कोई लोन पेयर है नहीं इसके ऊपर, तो इट इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड लीनियर मॉलिक्यूल, BeX2, गैसियस स्टेट में BeX2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी sp हाइब्रिडाइज्ड। Be के पास दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से वो एक-एक x के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक है, BeH2 सेम थिंग, Be के पास दो इलेक्ट्रॉन एक-एक सर हाइड्रोजन, वहां पे एक्स हैलोजन है ना? हाँ x इज हैलोजन, x इधर जहां भी रहेगा, x इज अ जनरल नोटेशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, दिस कंपाउंड इज कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज अ सिमिलर ब्रदर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन से सल्फर रिप्लेस हो गया एंड बिकेम कार्बन डाइसल्फाइड। इट इज अ वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट इसमें भी बॉन्डिंग पैटर्न जो होगा हमारा एग्जैक्टली सेम होगा। बात समझ में आ रही है? N2O की बात करें अगर हम लोग, तो इट इज गोइंग टू बी सेम, द ओनली डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी देयर इज ऑक्सीजन जो होता है एक तरफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा और दूसरी तरफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा। ठीक है, इट हैपेंस टू बी समथिंग लाइक दिस। नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है, इस वाले नाइट्रोजन का खत्म हो, ये ऑक्टेट पूरा हो गया और दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और बचे हुए हैं। ठीक है, इस वाले का ऑक्टेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, राइट? ये ऊपर वाले दो फोड़ा देता हूँ, चार एक पांच एक छह ही है, तो ये दो जो है ये कोऑर्डिनेट कर देता है इसको। तो इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। इस चक्कर में अब हुआ क्या कि नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर जो है वो कम हो गया। ये लोन पेयर इसके पास रहता तो तीन रहता, लेकिन लोन पेयर अब इसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया है, तो काइंड ऑफ डबल बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग दिस विल बी टू, और लोन पेयर जीरो रहेगा इसके ऊपर, या सिग्मा बॉन्ड पेयर दो रहेगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और बाकी क्या रहेगा हमारे पास, लोन पेयर विल बिकम इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर मॉलिक्यूल विल टर्न आउट टू बी लीनियर। मेकिंग सेंस? HgCl2 सिमिलर फेट, C2H2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी, दोनों का sp हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, स्टेरिक नंबर टू, लीनियर, ये भी लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर, तो पूरा मॉलिक्यूल ये लीनियर होता है। ठीक है, H2C CH2, यहाँ पर ये पॉइंट पर चीजें sp होती हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है लीनियर है, बस एक प्लेन में नहीं होता है, राइट? एंड वी नो द रीजन, वी हैव डिस्कस्ड इट, दिस इज C2N2, C2N2 इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज अगेन बोथ द कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, किया था हम लोगों ने आई थिंक एग्जांपल्स वगैरह में, नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग दिस कार्बन एटम इज टू, या सिग्मा बॉन्ड पेयर विल बी टू, लोन पेयर कार्बन के ऊपर क्या है, जीरो। ठीक है ना, तो स्टेरिक नंबर टू हो गया, लीनियर शेप आएगा। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। N3 माइनस इज अगेन लाइक N2O और NO2 प्लस। ठीक है, बस यहां पर एक तीसरी चीज क्या हो जाती है, द ऑक्सीजन ऑन द राइट इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाई अनदर एन विच इज एन माइनस। ठीक है, एन माइनस हो गया तो पांच एक छह इलेक्ट्रॉन्स माइनस बाहर वाले पर होता है, राइट ना? ध्यान है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन माइनस किया हमने तो क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो चार इलेक्ट्रॉन और एक पांच और एक छह इलेक्ट्रॉन, बाकी सब पे क्या रहेगा, दो दो पांच पांच इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
यस सर। ठीक है, यहां सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहां डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसका कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है, सबके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। दिस इज हाउ N3 माइनस इज इट ओके? इसके अलावा दो तीन मॉलिक्यूल्स और हैं जिनका मैं नाम लिख करके यहां पर दूंगा, ZnCl2, MgCl2, Hg2Cl2, सिल्वर, अमोनियकल सिल्वर, Ag, NH3, होल ट्वाइस एंड प्लस। ठीक है, ये मैं लिख करके दूंगा, आप लोगों को भेजूंगा। सो अभी के लिए ये सारे चीजों की ज्योमेट्री हम लोगों को समझ में आई या कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो कैन आई मूव ऑन? नेक्स्ट यस वाले, यस नेक्स्ट वाला सेट जो है जिसके अंदर में, अच्छा ये चीजें जो लिखवा रहा बोल रहा हूं मैं ना, इसको एक्चुअली इन मॉलिक्यूल्स के डिटेल्ड शेप्स जो है ना, मोस्टली एक सीट तैयार करके आप लोग को और भेजने वाला हूँ, या मोस्टली इसी में एक्सटेंड करके भेजने वाला हूँ। आई विल डू इट इन नेक्स्ट 2-3 डेज एंड आई विल सेंड इट, जिसमें इन सारे मॉलिक्यूल्स के नाम, मतलब ये तो है ही, मोस्टली को हम लोग जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। यू शुड गेट अवेयर टू देयर शेप, देयर ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। तो वो एक क्लिक, यहाँ पर तो सिर्फ इनका नाम लिखा हुआ है, अभी जब मैं भेजूंगा तो एक एक पेज में SP के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबके स्ट्रक्चर्स को मैं एक साथ क्लब कर देता हूँ। ठीक है, तो दैट विल जस्ट बी फॉर योर रेफरेंस, अनकंफर्टेबल ना फील करें हम मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दोज इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर अस, ऐसा नहीं है कि फालतू का होगा। दे विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री इन अ बेटर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड इज CN-. CN- के अंदर में H जो था उसको हमने हटा दिया, तो दूसरा वाला एटम हट गया और कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ गया। खैर, दो एटम जब भी रहेंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी लीनियर, नो डाउट अबाउट इट। CN- या NC-, ये इसका, दिस इज कॉल्ड साइनाइड या नाइट्राइल, नाइट्राइल और साइनाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइसो नाइट्राइल और आइसो साइनाइड। ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और फिर एक लोन पेयर का डोनेशन भी ऑक्सीजन कार्बन के टुवर्ड्स होता है, सो दैट ऑक्टेट ऑफ कार्बन कैन बी फुलफिल्ड। यहाँ पर हमारा है कार्बन, ये कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और फिर ऑक्सीजन की तरफ से एक लोन पेयर का कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये थर्ड बॉन्ड जो दिख रहा है हमको, दिस इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर माइनस साइन आ गया है। एम आई मेकिंग सेंस? सर एक बार रिपीट कीजिए। क्या क्या? ओके, कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन के पास टोटल 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 में से 2 के साथ वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट के तो ऑक्टेट सॉरी ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो गए। ठीक है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 पहले से थे, 2 और मिल गए, 8 हो गए इसके। बट कार्बन के साथ क्या है कि उसके पास 4 ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पर थे और 2 यहाँ पर थे,
कार्बन को तो दो ही मिले ना, तो टोटल छह ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हुए, ये कार्बन को और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है अपने दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ। अब ये कोऑर्डिनेशन में रूल होता है कि अगर हमारा डी ऑर्बिटल वाला एटम नहीं है, ठीक है, सेकेंड पीरियड का अगर ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का नहीं है, तो फिर जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो ले रहा है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हमको शो करना पड़ता है। अगर ये थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स का एटम्स होते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिर्फ एक और सिंगल बॉन्ड ऐड कर देते हैं और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर वी विल हैव टू इंडिकेट अ बॉन्ड विथ प्लस एंड माइनस चार्ज, ऐसा स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, हैप्पी रिपब्लिक डे। यस, सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। द नेक्स्ट थिंग इज ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारी, दैट इज गोइंग टू बी sp2। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, दैट मींस थ्री ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट। अगर तीनों के अंदर में बॉन्ड पेयर है, दिस इज बॉन्ड पेयर, बॉन्डेड, ठीक है, और लोन पेयर का काउंट जीरो है, तो द ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी, और शेप इज गोइंग टू बी सेम एज द आइडियल शेप। ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एंड हेलो। यस सर, यस सर। क्या कर रहे हो बेटा? क्या
इसमें यहां पर एक चेंज, वो गलती नोटिस किया मैंने. आई एक्सप्लेन इट. एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए. I'll explain what it is. So, पहले वाले का तो समझ में आ गया, sp hybridization वाला. Next thing is trigonal planar, sp2. ठीक है. आइडियल से अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर रहेंगे तो, अगर तीनों बॉन्ड पेयर नहीं रहते, एक लोन पेयर हो जाता है, ये लोन पेयर हो जाता है और यही दो बॉन्ड पेयर रहते हैं. वी कैन से दिस ब्लू बबल इज बेसिकली नथिंग. वी हैव टू कंसिडर दिस ब्लू बबल एज नथिंग. इट इज नॉट देयर बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ दिस रेड एटम एंड देयर वोंट बी एनीथिंग फिजिकल प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है. तो ऐसे केस में हमारा शेप क्या दिखेगा? इंस्टेड ऑफ ट्राइगोनल प्लानर इट विल बिकम बेंट वी शेप्ड. एम आई मेकिंग सेंस? हेलो. यस सर. It will be transformed from trigonal planar to a bent V-shape. ठीक है. Trigonal planar वाले molecules कौन कौन से हैं? BX3 है. BX3 का मतलब BCL, BCL, BCL. CL के बदले BR भी हो सकता है, F भी हो सकता है, I भी हो सकता है. All of them are going to be planar and trigonal. कार्बोनेट मॉलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक और डबल बॉन्ड. ठीक है. श्योर. माइनस. ठीक है. और एक इस पर भी माइनस रहेगा. तो एक्चुअली डबल बॉन्ड नहीं रहते यहाँ पे, सिंगल. दोनों जो माइनस वाले रहते हैं ना, उनके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन फॉर्म करता है और इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज COCl2. COCl2 का स्ट्रक्चर इज C डबल बॉन्डो Cl एंड Cl. NO3 माइनस, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी N डबल बॉन्डो ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट करता है और 6, 2, 8 और एक के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है ये, और इस पे एक माइनस चार्ज रहता है. ठीक है. तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो गए तो हो गया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन पहले से था तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 इधर से मिला और 2 इधर से मिले, 8. तो नाइट्रोजन के भी ऑक्टेट पूरे हो गए. ठीक है. अपने नोटबुक के अंदर में आप लोग ये स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ कर रहा हूं मॉलिक्यूल्स के ना, ये आप ड्रॉ कर सकते हो. दिस विल बी हेल्पफुल. SO3 मतलब अभी के लिए यू कैन ड्रॉ आइदर ऑन योर नोटबुक और ऑन योर मे बी रफ सीट. कुछ एक दिनों में मैं भेज दूंगा, फिर कोई इशू नहीं रहेगा. ठीक है. यहां पर भी HCHO, दिस इज एक्चुअली अल्डिहाइड, फॉर्मल अल्डिहाइड. दिस इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड O,
The carbon is again sp2 hybridized and it is going to have this trigonal planet geometry. H3BO3. क्या क्या सिंपल के लिए आया एस्टेरिक का बीच में? इंडिकेट करने के लिए कि कार्बन इज द सेंट्रल एटम. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरली दिया हुआ है वो, और कुछ खास रीजन नहीं है. ओके सर. ठीक है, कार्बन इज द सेंट्रल एटम ये प्राइमरली इंडिकेट करने के लिए दिया हुआ है स्टार. देन यू हैव H3BO3, बोरॉन इज देयर, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3 इज गोइंग टू बी. नेक्स्ट वन इज HPO3. HPO3 में अगेन द बॉन्डिंग पैटर्न विल बी फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहता है और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रहता है. दिस इज HPO3. फॉस्फोरस के पास ऑक्टेट एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल होने की वजह से, तो या तो ऑक्टेट एक्सपेंशन के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि फॉस्फोरस इज डूइंग अ कोऑर्डिनेशन, सॉरी डबल बॉन्डिंग टू वन ऑफ द ऑक्सीजन. इट इज कोऑर्डिनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड इट इज फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड विथ थर्ड ऑक्सीजन. ठीक है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो डबल बॉन्डिंग के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गए, ऑक्टेट पूरा, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ किया, ऑक्सीजन का इसके साथ इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के साथ करके ले लिया, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन, दो यहां से और एक यहां से, 3. नॉर्मली 5 होते हैं तो दिस बिकम्स ऑक्टेट एज वेल. सो दिस विल गेट कंप्लीटेड. यहां पर HCOH कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है एंड O एंड H. ठीक है, दिस इज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज बोरिक एसिड. ठीक है, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. AlCl3 सेम नो बोरॉन की तरह ही है. बोरॉन का जस्ट नीचे वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम होता है तो एल इसके बदले में आ जाता है. ठीक है, C2H4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. ठीक है, दिस इज अगेन स्टेरिक नंबर 3, sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्राइगोनल प्लेनर एट बोथ द कार्बन्स. ट्राइगोनल प्लेनर एट बोथ द कार्बन्स. एम आई मेकिंग सेंस? sbcl3 सिमिलर ज्योमेट्री, COOH, there will be similar geometry at both the carbons. ठीक है, similar geometry at both the carbons. Okay. Yes sir. We can start with other molecules. Now, ये molecule होता है oxalic acid और ये कुछ इस तरह का दिखता है. C double bond O, OH. And then single bond C, फिर यहां पर double bond O and OH. ठीक है, दोनों कार्बन पर ये ट्राइगोनल प्लेनर रहता है.
ये दोनों प्लेनर एटम्स एक ही प्लेन में रहेंगे नहीं रहेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय समथिंग एल्स विच वी विल लुक लेटर ऑन. ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड स्टेरिक रिपल्सन, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? शुड आई रब ऑल दीज मॉलिक्यूल्स? नेक्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डाउनवर्ड. इसके अंदर में क्या है, एक लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड पेयर होते हैं. ठीक है, एक लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड पेयर होते हैं. एक्चुअली नाउ इस वाले फिर लिखने पे बहुत टाइम जाता है मिटाने पे. आई विल डू अनदर थिंग, आई विल राइट विद द एनोटेटर सो दैट आई कैन क्लीन इट अप वेरी इजीली. ये मिला क्या? ओके, इसके बाद फिर द नेक्स्ट थिंग इज दिस वन, AB2 विद टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर. AB2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिनका भी हम देखते हैं, जैसे लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ देम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल O3. O3 का कैसा होगा? O3 है, ऑक्सीजन इज डबली बॉन्डेड टू वन ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट कोऑर्डिनेट्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर. ठीक है, फिर भी ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा सेंट्रल वाले के पास. ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया डबल बॉन्ड होने की वजह से, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है. कोऑर्डिनेशन मिलने से दो इलेक्ट्रॉन के, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन मिलने का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दूसरे वाले को डोनेट कर रहे हैं, दूसरा वाले को एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स जनरली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, बट सिग्मा बॉन्ड्स के प्रेजेंस में अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड. सो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का अपना कोई फिक्स नेचर नहीं होता है. अगर वो फॉर्म करने वाला पहला बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में तो इट विल बी सिग्मा, अगर नहीं है तो इट विल बी अ पाई बॉन्ड. मेकिंग सेंस? अभी हम लोग फिलहाल इसकी ज्योमेट्री के ऊपर बात करते हैं. इट विल हैव अ बेंट ज्योमेट्री. ठीक है, यहाँ वाला स्पेस खाली हो गया, द ओनली थिंग इज दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ये लोन पेयर है. वी नो दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर तो ये लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड्स जो हैं ये क्या होंगे, थोड़े से कॉम्प्रेस हो जाएंगे. तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, आइडियल बॉन्ड एंगल जो 120 डिग्री थी हमारी उससे कम हो जाएगी. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इसीलिए बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री लिखा हुआ है. सेम केस विल बी ट्रू विथ SO2, सल्फर. बस यहां पर सल्फर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगे. और एक चेंज होता है, वो ये चेंज होता है कि दोनों जगह पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है सल्फर, इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. ठीक है, अगेन
द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी लेस देन 120 डिग्री बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्सन. ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज N2O. N2O में क्या होगा, नाइट्रोजन विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन माइनस. 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंगल बॉन्ड से काम चल जाएगा. दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक लोन पेयर इसके पास एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, स्टेरिक नंबर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंट शेप. क्लियर, SnX2 सिमिलर. SN इज एक्चुअली एलिमेंट विच लाइज बिलो कार्बन, कार्बन के नीचे रहता है ये. पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन वाले ग्रुप में ये रहता है. Should I show it to you guys? नेट पे एक बार सर्च करके देख लो क्या नाम है. कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. कार्बन के नीचे का एलिमेंट होता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. 2 के साथ 2 Cl या X के साथ ये बॉन्डिंग किए हुए हैं, X एंड X, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पेयर बन के बैठे हुए हैं. एंड देयर फॉर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वी शेप मॉलिक्यूल. ठीक है, PbX2 SN के जस्ट नीचे वाला PbX2 होता है. This is also going to be sp2 hybridized and bent shape molecule. ठीक है, am I making sense? Yes, sir. Okay. PB या SN वगैरह वाले जो होते हैं, जैसे PB के केस में the bond angle is 98 degree. SnX2, PbCl2 के केस में, if I'm talking about PbCl2, the bond angle is 98 degree. ठीक है, और वहीं SnCl2 अगर हम देखते हैं SnCl2 में the bond angle is 95 degree. एक सेकेंड, फिर मुझे एक बार PbCl2 के एंगल को क्रॉस चेक कर लेना. और एंगल सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट
इवेंचुअली बेसिकली जब कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं आपको ना प्रॉपरली, और PbCl2 कंपाउंड है हमारे कोर्स में, तो वी नीड टू नो इट। नहीं ठीक है, ठीक है, इट्स 98 डिग्री ओनली, ठीक है, चलेगा। 98, 95 जो भी है। वो बस लेस देन 120 पता था, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलती है? एग्जैक्ट वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे थोड़ी पता चलेगी। हाँ, रिलेटिव वैल्यूज कैसे पता चलेंगी ये हम डिस्कस करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़े देर बाद, या मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। बट एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगा ये नहीं कर सकते हम लोग, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस सिमेट्रिक फिगर्स ना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू गेस नहीं कर सकते हैं, या थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं उसको। मेकिंग सेंस? सो दीज आर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वैल्यूज। इसके बॉन्ड एंगल, इसके बॉन्ड एंगल को कंपेयर हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे ये ऑब्वियसली दैट विल बी पार्ट ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। MOT के बाद उसके ऊपर हम बॉन्ड एंगल कंपेरिजन को लेकर के वी विल हैव मतलब एक सेशन में बॉन्ड एंगल कंपेरिजन, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। अच्छा, Ab2 वाले केस में और मॉलिक्यूल्स SeO2 है, Cl2 प्लस है, NH2 प्लस है, ये सारे का भी बेंड शेप रहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वन इज Ab4 मॉलिक्यूल। Ab4 मॉलिक्यूल का मतलब है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स, परफेक्ट टेट्राहेड्रल्स। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल्स में ये सारे के सारे जो हैं, चार 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 स्टेरिक नंबर चार होने की वजह से, अब H3PO4 में स्टेरिक नंबर तो कैसे है, इट इज लाइक दिस, फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड, OH, फिर OH एंड फिर एक और OH, तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। H3PO3 वाले में भी ये भी टेट्राहेड्रल है, H3PO2 भी टेट्राहेड्रल है, सबके सब टेट्राहेड्रल है, ये तीनों, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक OH, ये H3PO3 हो जाता है, और ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एंड OH, H3PO2 हो जाता है, ठीक है। SO2Cl2, दिस इज अगेन S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl एंड Cl, ये दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर है नहीं एक्चुअली, ये ऐसे रहेगा। सल्फर डबल, सॉरी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl एंड Cl, तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल रहता है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसी तरीके के रहते हैं। डिटेल्स ऑफ दीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइस, मैं भेज दूंगा बना करके सबके स्ट्रक्चर्स को,
इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, बट मोर और लेस ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न ओनली. ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल. ठीक है. P4O8 वगैरह वाले कैसे होंगे? तो इनके एक्चुअली ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं होता है. P4O8 का अगर हम देखने जाएंगे तो P4O8 is going to look something like this. Phosphorus. Then we have another phosphorus. It is bonded to oxygen. This oxygen is then bonded to another phosphorus. This phosphorus is similarly bonded to one oxygen, two oxygen, double bonded to O, double bonded to O, O, इनके साथ एक बॉन्डिंग होती है O की, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन. ठीक है. या दिस इज हाउ इट इज. यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, यहाँ पर लोन पेयर रहेगा. तो यहाँ पर और यहाँ पर परफेक्ट टेट्राहेड्रल रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बेंट स्ट्रक्चर रहेगा. एम आई मेकिंग सेंस? यस सर. ठीक है. तो इसमें दो फॉस्फोरस के ऊपर प्रॉपर रहेगा और दो फॉस्फोरस के ऊपर बेंट स्ट्रक्चर रहेगा. अभी इसमें से इस फॉस्फोर इस ऑक्सीजन को अगर हम हटा देते हैं तो दिस विल क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ P4O7. ठीक है. ये वाली चीज को अगर हम हटा देते हैं 8 में से, इट विल बिकम P4O7, राइट. इसमें एक ही फॉस्फोरस जो है वो बचेगा टेट्राहेड्रल, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बेंट पिरामिडल हो जाएंगे. ठीक है. P4O6 वाले केस में एक्चुअली P4O6 यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है. P4O6 डज नॉट क्वालिफाई इन दिस कैटेगरी. इसमें ये वाला मॉलिक्यूल भी, ये वाला फास्फोरस भी डबल बॉन्ड O को हटा देता है एंड देन इट बिकम्स ऑल द सेंटर्स विल बिकम पिरामिडल. सो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ P4O6 will be an example of pyramidal shape at all the phosphorus. ठीक है. P4O9 double bond and double bond O. तीन इसमें tetrahedral हो जाएंगे and P4O10 के अंदर में चारों phosphorus tetrahedral हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4. ठीक है. चारों फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल P4O10, तीन टेट्राहेड्रल P4O9, दो टेट्राहेड्रल P4O8, P4O7 एंड P4O6 में सारे के सारे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएंगे. इज इट राइट? ओके. ये वाले नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो तो, O10 का और किसी भी एक और का.
पापा क्या नाम था बोलो क्यों वेट, ले लो। तो दे दो। मुंह धोया आपने?